नूरंग मीना को लगता है कि अरुणाचल में कोविड की चुनौतियों के बीच दूसरी भी ऐसी कई चुनौतियां हैं जिस पर सभी को ध्यान देना होगा। स्ट्रीट लाइब्रेरी के जरिए मीना चाहती हैं कि बच्चों और किशोरों में न सिर्फ पढ़ने की आदत बने बल्कि पढ़ाई के लिए चाहत भी पैदा हो। हमेशा यहाँ पे किताब ढूंढते हैं, बुक स्टोर जाना पड़ता है और लाइब्रेरी तो बहुत इनएक्सेसिबल हो जाता है। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज बहुत कम है, तो व्हेन इट कम्स टू रीडिंग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब ये स्ट्रीट लाइब्रेरी का आइडिया मिला तो मैंने सोचा कि तुरंत हम भी इसको कॉपी कर लेते हैं अपने स्टेट पे, क्योंकि मिजोरम जैसे जो इतना एडवांस स्टेट है वो लोग जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। स्ट्रीट लाइब्रेरी का नूरंग मीना का यह प्रयास आते जाते बच्चों, छात्रों और सबसे जुड़ने की कोशिश है, ताकि वे यहाँ थोड़ा रुकें, सोचें और हो सकता है एक दिन पढ़ने और जानने के तरीकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। Every year we see that the graph of performance of this CBSE and AISSE students दिन ब दिन घटते जा रहा है, और इट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस कि अभी से बच्चे जो है आगे लैंडिंग भी कर सकते हैं। इवन आई बिलीव कि बच्चे जो है घर पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यू नो स्लोली डेवलप द रीडिंग कल्चर। फोर्स से ना हम लोग कोचिंग क्लास ढूंढते हैं ना, हम लोग पैसा नहीं होता है। अभी ये मैडम जो ऐसे खोल के रखा है, हम बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटी बेटा लोग यहाँ में आके पढ़ने मिला है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश है। निर्जुली की छोटी सी स्ट्रीट लाइब्रेरी सिर्फ किताब घर ही नहीं है बल्कि ऐसा नुक्कड़ है जिसमें नई उम्मीदों का सूरज उग रहा है।